नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार में वर्तमान में बजट सत्र चालू है, ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आइए जानते हैं आज एक नए मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बिहार विधानसभा में बुधवार को शराबबंदी मामले को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य प्रदर्शन करने लगे। स्थिति यह थी कि प्रदर्शन करने वाले विपक्षी विधायक सदन के बेल तक आ पहुंचे। इस कड़ी में राजद ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राजद के वरीय नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में कहा कि बिहार में कई ऐसे नेता और पदाधिकारी हैं जो रोजाना बिना शराब पिए नहीं सोते हैं, इनकी जांच करा ली जाए। भाई वीरेंद्र के इस बयान पर तुरंत विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने संज्ञान लिया और कहा कि आप उनका नाम बताएं जो बिना पिए नहीं सोते हैं। भाई वीरेंद्र ने इस पर कहा कि यह गोपनीय मसला है महोदय, इसलिए इसकी जांच करवाई जाए तो पता चल जाएगा। राजद की तरफ से लगातार लगाए जा रहे आरोप पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे अलग से नाम दे दीजिएगा। सरकार पर लग रहे आरोप के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग शराब पीकर सोते हैं, मुझे लगता है कि शायद वह अपना अनुभव बता रहे थे। शराबबंदी के विषय पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टी के विधायकों को अलग से डिबेट कराने की भी बात कही। इस बीच विपक्ष ने बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार से भी इस्तीफे की मांग की। सदन की कार्रवाई के दौरान नीतीश कुमार का खेल है शराबबंदी फेल है जैसे नारे सदन में लगते रहे, लेकिन इस बीच प्रश्नकाल भी जारी रहा। सदन में राजद के विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राजद विधायकों ने यह भी कहा कि मीडिया में यह खबर चल रही है कि बिहार में समानांतर शराब की सप्लाई हो रही है। यह कहते हुए राजद के सारे सदस्य खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि यदि राज्य सरकार शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाती है तो शराब के 3 गुना ज्यादा दाम बढ़ा दे और उसके बाद इसकी बिक्री शुरू कर दे। अवैध शराबबंदी से बिहार का पैसा भी दूसरे राज्यों में जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ड्राई स्टेट के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। महाराष्ट्र में शराब प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9% है। वहीं अगर हम शहर और गांव की अपेक्षा में देखें तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% और शहरी इलाके में 14% लोग शराब पीते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में 13% और ग्रामीण इलाकों में 14.7% की आबादी जो है शराब का सेवन करती है। महिलाओं के मामले में बिहार में के शहरी इलाके में 0.5% और ग्रामीण इलाकों में 0.4% महिलाएं शराब पीती हैं। महाराष्ट्र के लिए यह आंकड़ा शहरी इलाके में 0.3% और ग्रामीण इलाकों में 0.5% है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब उपलब्ध है, यह बात दीगर है कि लोगों को 2 या 3 गुना कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे शराब देसी हो या फिर विदेशी। बिहार में कानून लागू होने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। सख्त सजा के प्रावधान के कारण ऐसा लगा कि वाकई लोगों को शराब से तौबा कर ली है। इसका सबसे ज्यादा फायदा निचले तबके को लोगों को मिला, परिवार में खुशियां लौटी। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे शराब जो है शहर क्या दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगी। आम धारणा यह है कि यह हर जगह सुलभ है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कीमत 2 से 3 गुना हो गई है। बिहार में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल से शराब की बड़ी खेप तस्करी कर लाई जा रही है। हालात यह है कि पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम यहाँ हर घंटे औसतन 1341 लीटर शराब जब्त कर रही है। मिनट के हिसाब से अगर हम यह आंकड़ा देखें तो 1 मिनट में 22 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से शराब जब्त किया जा रहा है। विपक्ष आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।